जागृत होना और जागृत करना, ये दो व्रत लेके कोई भी यहाँ आए तो सत्य की गहराई में से वाणी निकले उसकी अपनी महिमा रहे। गांधी विनोबा की वाणी वैसी थी, वैसे काम हुआ। सत्य की गहराई से निकले वाणी लेकर निज महिमा, जहां अथक यत्न निज हाथ पसारे पाने को पूर्णता। कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो कहे कि मुझे तो पूर्ण मानव बनना है और कुछ नहीं बनना, मैं डॉक्टर इंजीनियर राजा नहीं बनूंगा तो चलेगा, मिनिस्टर नहीं, पर मुझे मनुष्य बनना है। अथक यत्न निज हाथ पसारे पाने को पूर्णता, जहां रूढ़ी की रणबालू में ना सूखे स्रोत शुद्धि का, रूढ़ी की रणबालू है उसमें सज्जनता का स्रोत सूख जाता है, वहां झगड़े किसी का कुछ नहीं, पैसा पकड़ने से का कुछ नहीं, तो वो फिर क्या काम हो। महापुरुष तो महापुरुष हो गया, पर आप तो रूढ़ी चला रहे हो। और गांधी कहते थे कि मैं मानता हूं कि जब तक खादी नहीं हर गांव में जाएगी तब तक हिंदुस्तान की स्वाधीनता नहीं टिक सकती। बुद्धू कहता ही नहीं चाहिए, बुद्धू गीता नहीं चाहिए हमको, गीता ही मिशन ऐसा है कि जो गीता जिंदा कर दे गांव गांव को। अथक यत्न नित हाथ पसारे पाने को पूर्णता, जहां रूढ़ी की रणबालू में न सूखे स्रोत सुधी का, जहां तुम्हारे नेतृत्व में हमारे मानस बढ़ते जाएंगे, और तुम्हारे नेतृत्व में हमारे मानस बनते जाएंगे, और बुद्धि की ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि कृतिशील विचार लभेंगे, जहां विस्तरते क्षितिजो वाले कृतिशील विचार लभेंगे। विचार जब आपको मिलता है तब आप बड़े हो जाते हो, आप महान हो जाते हो, आपका हृदय बड़ा हो जाता है। बड़े गधे के आदमी बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा कुछ करने का, एक छोटा सा लड़का कितना कर रहा है, विजन है उसके पास तो कर रहा है, विजन नहीं होता तो अपना खेत चलाता और अपना पैसा कमाता, अपना संसार चलाता नहीं चलाता, वो दुनिया का संसार चलाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां भगवान के नेतृत्व में काम होता है वहां दिल को बड़ा होना है हृदय, जहां तुम्हारे नेतृत्व में हमारे मानस बढ़ते जाएंगे, और विस्तर तीक्षितिजों वाले कृतिशील विचार लभेंगे। लिया जलाता है जहां तहां गाय की प्रीति पैदा करता है, ऐसी अगर अपने को इच्छा ही नहीं है तो खाली एम्प्लॉयमेंट देने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देने वाले सरकार के बहुत विभाग पड़े हैं, सरकार भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, चोर को दे रही है, डाकू को दे रही है, तो शंकराचार्य कौन बनेगा, हिंदुस्तान की संस्कृति को दूसरा शंकराचार्य कौन देगा, दूसरी मीराबाई कौन देगा, रमण महर्षि कौन देगा, अरविंद कौन देगा। मेरे जैसी प्रवीणा जहां ढूंढती होगी कि मुझे विनोबा का आश्रम मिले उनको लाना है। एक बार अच्छा उद्देश्य मिल जाए, अच्छा गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत प्रेम है, आदर है, मैंने पहले ही कहा कि बाबा ने कहा कि मैं जन्म कैसे लेता, मेरे बाबा शादी नहीं करते थे, बिना शादी के थोड़े बच्चों को जन्म देना है, परंतु शादी नहीं करने वाले भी कोई लोग चाहिए समझ। जहां तुम्हारे नेतृत्व में हमारे मानस बढ़ते जाएंगे, और विस्तर तीक्षितिजो वाले कृतिशील विचार लभेंगे, उस स्वतंत्रतामय स्वर्ग में है करुणामय मेरे पिता, जागृत हो वे मम देश यही मैं रटू राह देखता। मैं ये गाना रोज गाता हूँ, टागोर कहते हैं मैं राह देखता हूँ कि ऐसे ऐसे नागरिक कब पैदा होंगे जो अपने को स्वतंत्र फील करेंगे। आज मेरे भले 300 ही बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, एक एक का दिमाग देखो कैसा है, स्वतंत्र है। सत्य प्रकाश देखो, विवेकानंद देखो, अमित देखो, अक्षय देखो, जो देखना हो निराकार देखो, मेरे 300 बच्चों ने 100 आश्रम खोले हैं क्योंकि उसको स्वतंत्रता दी गई। उस स्वतंत्रता में स्वर्ग में है करुणामय मेरे पिता, कभी ये देश जागृत हो गए। एक अक्षय जागृत हुआ ऐसा पूरा देश जागृत है, उसके 1,00,000 किसान जागृत हुए, तुम्हारे 100 घर जागृत हुए, जागृत तो हुए ना, खाली अपने को पैसा ले और अपने से किताब ले महत्व का नहीं, जागृत हो, जागृत होना और जागृत करना, ये दो व्रत लेके कोई भी यहाँ आए।